और सॉफ्ट
लार जब उस फूड के अंदर मिक्स होती है, लार हमारे मुंह में से सलाइवा निकलता है, लार वो जब फूड में मिक्स होती है तो फूड सॉफ्ट हो जाता है और आगे फूड पाइप, ये दूसरा ऑर्गन है फूड पाइप। यहाँ सेकेंड ऑर्गन, पहला ऑर्गन हो गया, ये सेकेंड ऑर्गन हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का, फूड पाइप से वो सॉफ्ट हो जाता है फूड और वो फूड पाइप के अंदर आगे बढ़ जाता है। उसके बाद में फिर क्या होता है, द फूड पाइप कैरीज द फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक, और ये फूड पाइप हमारे फूड को कहाँ लेके जाता है, स्टमक में। ये हमारा थर्ड ऑर्गन हो गया STOMACH, स्टमक। ठीक है, पहला फूड माउथ में गया, सेकेंड ऑर्गन फूड पाइप से वो, थर्ड ऑर्गन स्टमक के अंदर, पेट के अंदर जाता है फूड। फिर स्टमक में क्या होता है, स्टमक प्रोड्यूसेस सम जूस, स्टमक में कुछ जूस प्रोड्यूस होता है, जूस में रस निकलता है और वो जूस फूड के अंदर मिक्स होता है और फूड को और छोटे छोटे बारीक कर देता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देता है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, थोड़े घंटों तक ये फूड स्टमक में रहता है, फिर कुछ आवर्स के बाद में फूड फ्रॉम द स्टमक रीचेस टू इंटेस्टाइन, उसके बाद में जो हमारा फूड है वो इस तरह की माला जैसी होती है फूड के अंदर, सॉरी पेट में, उसको बोलते हैं INTESTINE, इंटेस्टाइन, ये स्मॉल एरिया की, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो फूड पहुंचता है। तो ये चौथा ऑर्गन हो गया, चौथा बॉडी का पार्ट हो गया, वहां पहुंचता है, वहां पे इस फूड में से जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है फूड की खाने की वो एब्जॉर्ब होती है, उसको हमारी बॉडी सोख लेती है, खींच लेती है, एनर्जी जो भी चीजें प्रोटीन है विटामिन है वो इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद में हमारा फूड जो है ना वो एक और माला होती है ऐसी चारों तरफ बॉडी की, सॉरी स्टमक की, इस तरह से उसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन। तो कौन सा पार्ट हो गया, ये थर्ड था, ये फोर्थ था और ये फिफ्थ बॉडी ऑर्गन जो बॉडी का पार्ट है वहाँ पे वो पहुँचता है। वहाँ पे क्या होता है, वो कलेक्ट हो जाता है सारा वेस्ट जो होता है, बेकार की जो चीज़ें होती है फूड में से वो सारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाके कलेक्ट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, गुड फूड एब्जॉर्ब कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन और जो वेस्ट है उसको भेज देता है लार्ज इंटेस्टाइन में। द अनडाइजेस्टिव पार्ट ऑफ द फूड रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस, और उसके बाद में लास्ट जो पार्ट है हमारा एनस, यहाँ से जो बेकार का फूड है वो बाहर शरीर से बाहर निकल जाता है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं उसको। ऑल दीज ऑर्गन मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस तरह से एक फूड को बचाने में कितने ऑर्गन से काम किया, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर काम किया। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन मिलकर जब एक काम को करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और हमने ऑर्गन सिस्टम में कौन सा ऑर्गन सिस्टम पढ़ा आज, डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ आया आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, कि फूड पचाने के लिए बहुत सारे ऑर्गन की जरूरत होती है और ये सब ऑर्गन मिलकर जब फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो वो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इतना समझ में आ गया। सेकेंड हम पढ़ेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए क्या होता है, RESPIRATORY, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या होता है, देखिए वी ब्रीथ इन एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन थ्रू आवर नोज, ऑक्सीजन नीडेड फॉर ऑल द ऑर्गन टू फंक्शन प्रॉपरली, द एयर फ्रॉम नोज गोज डाउन टू विंड पाइप, फ्रॉम द विंड पाइप द एयर रीचेस टू लंग्स, आफ्टर द बॉडी हैज यूज्ड द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा ब्रीदिंग का जो सिस्टम है, हमारी जो नोज है उससे हम एयर को अंदर लेते हैं, तो हमारा पहला ऑर्गन काम करता है ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए नोज, वहां से विंड पाइप, कौन सा सेकेंड ऑर्गन है, विंड पाइप, विंड पाइप से ये ऑक्सीजन जो है हमारी अंदर एंटर करती है और यहाँ हमारे टू लंग्स हैं, कितने टू लंग्स होते हैं, वो एयर जो है ऑक्सीजन है वो नोज, नोज के बाद में विंड पाइप, विंड पाइप से फिर वो हमारे पहुंचती है LUNGS, लंग्स में। समझ में आ गया, लंग्स में वहाँ पे ऑक्सीजन पूरी बॉडी के पार्ट जितने शरीर के पूरे भाग हैं जो
जो भी पार्ट है वहाँ तक वो ऑक्सीजन पहुँचा देता है लंग्स, और उसके बाद में जो कार्बन, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बन गैस बनती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लो से बाहर निकाल देता है। तो ब्रीदिंग का जो काम है उसमें कितने ऑर्गन ने काम किया, नोज ने, विंड पाइप ने एंड लंग्स ने। तो इन तीन ऑर्गन से मिलकर के ब्रीदिंग का जो काम किया, इस सिस्टम को कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें भी जान बहुत सारे ऑर्गन ने मिलकर के एक काम किया, ब्रीदिंग। समझ में आ गया आपको? ऑर्गन सिस्टम, टू ऑर्गन सिस्टम आज हमने पढ़े, डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी। आप इनको अच्छे से रीड करेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। ओके।